आज हम बनाएंगे चीकू शेक। ये मैंने 5 चीकू लिए हैं और उन्हें छील के धो के काट लिया है, और ये इतने से काजू लिए हैं, जिससे इस शेक का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो मैं आपको अब मिक्सर ग्राइंडर में इसको करके बना के दिखाती हूँ। मिक्सर में मैंने चीकू और काजू डाल दिए हैं, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, आप मुझे जितना बनाना है मैं उसे हिसाब से बना के आपको दिखाऊंगी। मैंने 3 ग्लास बनाना है, तो मेरे घर में मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं 5 चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा दूध जिससे चीकू अच्छे से, अभी मैंने थोड़ा ही डाला है चीकू को अच्छे से ग्राइंड करने के लिए, जिससे कि वो अटके नहीं। थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें आइस क्यूब डाल दूँगी 4-5, जिससे कि ये अच्छे से बफ हो जाए। देखिए अच्छे से ये बिल्कुल ब्लेंड हो गया है। इसमें मैं बाकी का दूध जितना मुझे डालना है वो डालूँगी बस, और इसे फिर से ग्राइंड करूँगी। देखिए चीकू शेक मेरा बिल्कुल रेडी है, मैं इसे ग्लास में इसको पोर करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना थिक बना है, बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विड तो ये है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाले शेक से थिक बना हुआ है। इसके अंदर अगर हम आइसक्रीम डालना चाहें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, और इसके आइसक्रीम चीकू शेक भी बना सकते हैं, वनीला आइसक्रीम को इसमें डाल के, और इसे हम ऐसे पी सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माय चीकू शेक इज़ रेडी।